सदस्य इसके पक्ष में हाँक है, जो सदस्य विरोध में नाक है, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। संसद से कृषि कानूनों की वापसी हो गई, लेकिन आंदोलन की सड़कों से प्रदर्शनकारी किसानों की घर वापसी के अभी आसार नहीं है। इधर संसद के दोनों सदनों से कानूनों की वापसी वाला बिल पास हुआ, उधर सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों ने बैठक की। तय हुआ कि एमएसपी गारंटी कानून, मृतक प्रदर्शनकारियों के घर वालों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों के ऊपर दर्ज मुकदमों की वापसी, विद्युत बिल की वापसी, पराली जलाने पर दर्ज केस और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी वाली सभी 6 मांगे बरकरार रहेंगी। इस बैठक में इन संगठनों की ओर से सरकार को 1 दिन का वक्त दिया गया है। 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। आगे की रणनीति के लिए असी 1 तरीक संयुक्त मोर्चा की मीटिंग बुलाई है, जो पंजाब वालियां जथेबंदियां है, जो पंजाब दे विचों अंदोलन लेके तुरे सी कि 3 कानून रद्द करवाने हैं, MSP दे कमेटी बनाउनी है, ना MSP दी लीगल गारंटी दवानी है, ते नाल जिहड़ा पराली वाला मुद्दा है बिल वो रद्द करवाना, जिहड़ा बिजली सोध बिल एक्ट है 2020 वो रद्द करवाना। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कानूनों की वापसी का ऐलान किया था तो उन्होंने नई शुरुआत की अपील की थी, लेकिन ना तो सरकार की अपील का असर है ना दलील का, बल्कि किसान नेताओं के तेवर वही पुराने हैं, और तो और उनमें अब तो कानूनों की वापसी करा लेने की चमक भी दिख रही है। चेतावनी है क्या वो? ये तो बात करने की भाषा है गांव वालों की, ये तो आपस में इसी बातों का तो इस्तेमाल करें। ये चेतावनी है, 26 तारीख का नाम लेना कोई चेतावनी है? हमने ये कहा कि उस टाइम तक समाधान हो जाएगा, मतलब सरकार ये दिखाना चाहती है हम बात नहीं करेंगे, इनको यहाँ से वैसे ही भेज दे। ये जनता ने अगर बात करनी बंद कर दी तो क्या होगा? ये अपने दरवाजे बंद करना चाहते हैं ना? तो आप कह रहे हो कि अब आपका अपने दरवाजे बंद कर सकती है, उसके बाद में क्या होगा? तो आप दरवाजे बंद करने की बात कर रहे हैं कि सरकार तो अगर नहीं बात करेगी तो आप दरवाजे अपने भी हम भी बात नहीं कर लेंगे फिर, या गाँव की जनता भी बात नहीं कर लेगी? किसानों के मसले पर कई दशकों बाद किसी सरकार ने अपने कदम इस तरह पीछे खींचे हैं, इसीलिए किसान संगठन अपने आंदोलन को ढीला पड़ने नहीं देना चाहते। रस्सी में बांध कर रखना चाह, जालसाजी की रस्सी में, जाल की पारदर्शिता है कि वो दिखाई नहीं देगा। जैसे ग्लास है गाड़ी का, इतना साफ दिखेगा बिल्कुल, लेकिन अगर ग्लास टूट जाए तो उसमें जाल है, तो ऐसे ही सरकार में जाल है, उस जाल को हटाने हम यहाँ पाए, जाल हटाना पड़ेगा। साफ है कि जब एक ओर संसद और संसद के बाहर राजनीतिक दलों ने सरकार को घेरा हुआ है तो किसान संगठनों की रणनीति भी सरकार पर नरम होने की बिल्कुल नहीं है। बिना उसके जा ही नहीं सकते, हम उठ ही नहीं सकते बिना मुकदमे वापस कराए, बिना मुआवजा ये कैसे चले जाएं, क्या मुंह दिखाई जाके? अब मेरे पास 100 मुकदमे है तो फिर मैंने तो भुगत लीजिए, बस मेरे पास 7-8 जन्म 10 जन्म लगेंगे इन केसों के, अगर सजा हो जाए 307 के हैं। जिस चोर दरवाजे से कलमुहे स्टाइल से ये काले बिल लाए गए थे, उसी तरह से चोर दरवाजे और कलमुहे स्टाइल में ये लोग ये बिल खत्म हुए, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी ये जो संसद में हुआ, जो बोला जो चुप किया उसको कोई याद नहीं रखेगा, दुनिया याद रखेगी कि वो राज वो सरकार जिसने सोचा था कि किसी चीज से पीछे नहीं हट सकते, वो सरकार जिसने बैकफुट लेना जाना ही नहीं था, उस अहंकार को इस देश की जनता ने खत्म किया। कि आज देश की पार्लियामेंट के बीच पहली बार मोदी जी को 180 डिग्री बैक जाके अपने जो उन्होंने किया था उसको वापस लेना पड़ रहा है, इसके लिए पूरी दुनिया के मेहनतकश लोगों को बधाई देना चाहता हूं, और ये बताता हूं कि अगर फिर वो कोई कोशिश करेंगे और बाकी के इशू हमारे रिजॉल्व नहीं करेंगे तो किसान जो अपनी जो हक लेने जानते हैं ये हमने बता दिया उनको। सरकार के लिए किसान नेताओं की नई मांगों के आगे झुकना आसान नहीं है, खासकर
एमएसपी गारंटी कानून लाना एक बड़ा मसला है, क्योंकि इस कानून को लाने का मतलब सिर्फ सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालना भर ही नहीं है। सरकार की किसी गारंटी को कानूनन अधिकार बना देने का असर संवैधानिक तौर पर बेहद गहरा होगा। लेकिन सरकार किसान नेताओं की नई मांगों पर जितनी उधेड़बुन में होगी, उस पर दबाव उतना ही बढ़ेगा। सिंघू बॉर्डर से सुशांत मेहरा और गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।